आपको बोर्ड की परीक्षाओं के बारे में बताते हैं, क्योंकि इसका असर हमारे देश के 30 लाख बच्चों पर पड़ेगा, और अगर इसमें 30 लाख बच्चों के माता पिता को भी गिन लिया जाए तो ये 90 लाख लोग हो जाते हैं, और या ये भी आप कह सकते हैं कि 30 लाख परिवारों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। और केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस सत्र में बोर्ड की परीक्षाओं को टाला नहीं जाएगा, यानी परीक्षाएं इस बार जरूर होंगी। इस कोरोना काल में आपने कई लोगों को ये कहते सुना होगा कि काश वो इस समय 10वीं कक्षा या 12वीं कक्षा में होते और उन्हें कोरोना की वजह से शायद बोर्ड की परीक्षाएं देनी ही नहीं पड़ती, और बहुत सारे लोग तो बिना परीक्षा दिए ही पास हो जाते। और लेकिन ये तो वो लोग हैं जो बिना पढ़े पास हो जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे देश में बड़ी संख्या में ऐसे भी तो छात्र हैं जो पढ़ाई लिखाई करते हैं पूरे साल और अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं, और जब इस तरह की व्यवस्थाएं बनती हैं तो कई बार इन बच्चों के साथ नाइंसाफी हो जाती है। इस साल 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था, और केंद्रीय शिक्षा बोर्ड CBSE ने छात्रों को पास करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया था। कुल मिलाकर कहें तो छात्रों को परीक्षाएं नहीं देनी पड़ी, और जैसा हमने कहा ये नाइंसाफी होती है। जो बच्चे पूरे साल बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते वो भी पास हो जाते हैं, और जो बच्चे पूरे साल पढ़ाई करते हैं जिन्हें और ज़्यादा नंबर मिलने चाहिए थे, कई बार उन्हें उतने मार्क्स नहीं मिल पाते जितने के हकदार हैं। लेकिन आज हम नई जानकारी आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि अब बोर्ड की परीक्षाएं बिल्कुल नए तरीके से होने वाली हैं। सबसे पहले आपको पूरी खबर बताते हैं। CBSE ने वर्ष 2021 और 22 के एकेडमिक सेशन के लिए, यानी इस बार के सत्र के लिए, नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके तहत जिन छात्रों ने इस साल 10वीं और 12वीं की कक्षा में प्रवेश किया है उन्हें फाइनल एग्जाम्स जो उनके हैं वो एक बार नहीं दो बार देने पड़ेंगे। पहली परीक्षा को टर्म 1 कहा जाएगा और दूसरी बार होने वाली परीक्षा को टर्म 2 कहा जाएगा, यानी बोर्ड की परीक्षा को दो हिस्से में बांट दिया गया है, टर्म 1 और टर्म 2, और इस प्रक्रिया में सिलेबस को भी आधा आधा बांट दिया गया है, यानी 50-50% बांट दिया गया है, 50% पहले और 50% बाद में। 8400400400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8400400400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए, फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए, तो देर किस बात की, अभी जाइए 8400400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।